उससे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो इंस्टीट्यू आज डेडिकेट किया है आपको मिलकर बहुत अच्छा इंस्टीट्यू बनाया है। अभी इस प्रोग्राम में हमारे जो लाहौर बेहतर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नाहू तकर जी ने नाहू रोहित जी का जो योगदान है वो हम लोगों को बताया है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं मुख्यमंत्री बनने का बाद मैं स्वर्गीय नाहू रोहित जी को फिर अपने ऑफिस में मिलने का मौका मिला और उससे पूरा कहानी जिस प्रकार से कैप्टन का जो हमारे साइंस कनेक्शन की प्रकाशित हुआ उनसे अपने रस्ते में बैठकर सुनने का कहानी सुनने का हमें अवसर मिला है। तो पहले मैं जो स्कूल और कॉलेज में जो था वो कहानी तो मैं बहुत पहले ही सुना था कि ईटानगर कैपिटल किस वजह से हुआ था। तो वहां में हम जो कहानी सुना था स्कूल टाइम से तो ये बताया था कि एक आदमी था जो यहाँ से गीता को लेकर पूरा ईटानगर से तो पैदल जाते वहां पे जाके इंप्रेस किया और गीता का भी सुना था और स्वर्गीय अपना अभिमन्यु जी को मिलने के बाद उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि हमें जो कहानी सुना था स्कूल टाइम का एजेंसी काउंसिलर था और ये पता नहीं था। हमारा सबसे पहला एजेंसी काउंसिलर अभिमन्यु जी का इनिशिएटिव में और वो जो कमिटी जो बनाया वहाँ पे हम लोग उस वक्त तो नेपा के अंदर में था। तो जो ईटानगर या अपना अरुणाचल में नेपा का कैपिटल कहाँ होता है एक कमिटी का गठन किया। तो कमिटी में नाहू रोहित जी भी एक एजेंसी काउंसिलर उनका उसमें एक मेंबर भी था। तो जिस प्रकार से अभी नबी मोहम्मद साहब ने जो बताया अलग अलग जगह में बहुत जगह में साइट तो देखा है और बहुत जगह से लोगों का विरोध भी आया क्योंकि उस जमाने में हमारा अरुणाचल प्रदेश में लोग बहुत ही कम एजुकेटेड मतलब एजुकेशन ना ही बराबर था। तो लोगों को पता नहीं होता कि कैपिटल आने से अपने एरिया में अपने बीजेपी किस प्रकार से डेवलपमेंट प्रोड्यूस होता है। तो उस वक्त में आई थिंक अपना आदि एरिया कालो एरिया और बाकी एक दो जगह भी वहाँ के लोग हैं उतना पता नहीं था। तो जैसे नाहू रोहित साहब का जो लाइफ हिस्ट्री में हम लोग ने जो देखा उनका जो मेन जो हमें जो लगता है जो कैटलिस्ट जो बोलते हैं कि उनका अंदर में एक जुनून जो आपका समाज को राज्य को जो सेवा करने का जो जुनून जो पैदा हुआ आई थिंक वे बैक इन 1967 में 66 में था जो नाहू रोहित साहब और उनके साथ और भी साथी लोग उन लोगों को एक भारत दर्शन करने का एक मौका मिला जिसमें रिपब्लिक डे जो हुआ है उसको अटेंड करने का जो अवसर मिला है तब से एक जुनून पैदा हो गया क्योंकि उनका एक एक्सपोजर मिल गया था उस वक्त में कि आपकी रीजन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है किस प्रकार से डेमोक्रेसी इम्प्रूव हो गया आगे जो बढ़ने को उन्होंने फिजिकली जो फिटनेस किया तो उनको मतलब हमें जो पर्सनली लगता है कि उनका ये जुनून जो है भर गया कि अपना जहाँ राज्य में भी आपके हमको पॉलिटिकली काम करना चाहिए तो जाके उनका शुरुआत जो है ग्राम पंचायत मंडल समिति जिला और बाद में एजेंसी काउंसिलर का भी वो बन गया है। उस वक्त में आप देखिए कि अभी ईटा से ईटा लेके चलना और हमारे जो एक है एकर समिति उसका हम गंगा लेक में जाते हैं तो वहाँ से पूरा मछली को लेके जहाँ से जो जाके वहाँ पे जो ऑफिसर्स लोगों को इन्वेस्ट करना हमारे वहाँ पे इस प्रकार में हिस्टोरिकल एक जगह है इसलिए ईटानगर में हमारा जो राजधानी है वो होना चाहिए। उस प्रकार से डीजन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने ईटानगर शिलोंग में आके ईटानगर को कैपिटल घोषित घोषणा किया हुआ है। तो तब से लेके अभी तक ईटानगर का चेहरा जो है अभी काफी डे बाई डे चेंजेस हो रहा है। तो इसके अभी डब्ल्यू बॉक्स साहब ने भी जो कहा कि ईटानगर जो है राज्य का चेहरा है हमारा बॉडी का होने से हमारा बॉडी का हार्ट तो हार्ट पे दिल वो है हमारा ईटानगर। इस ईटानगर को हम लोग को सुंदरता बरकरार रखने के लिए इस ईटानगर को हम लोग को शांति रखने के लिए इस ईटानगर को हम लोग डेवलप करने के लिए हम लोग को बहुत प्रोएक्टिव रोल लेना होगा। आज केवल हम लोग सिर्फ नाहू रोहित जी का स्टेच्यू को अनवील करके
इतना में हम लोगों का बात खत्म नहीं होगा जैसे आप किसी समाज में वो सवाल तय होता है वो सवाल तय होता है किसी समाज जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का सबसे बिगेस्ट ट्राइब्स में से हम लोग का गिना जाता है उसका अंतर्गत भी अलग अलग तय बहुत होता है मगर अभी नाबुन जो प्लान है आप लोगों का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है क्योंकि राजधानी जो है यहाँ विजयनगर में आ गए तो उसका देख रेख के लिए भी विजयनगर का नाम को और भी ऊंचा करने के लिए भी नामों समाज का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो आप देखिए ओवर द इयर्स विजयनगर में जो भी अच्छा होता है या खराब होता है वो यहीं से ही शुरू होता है तो इसमें हमारे जो सरकार है आपको पता है कि हम सीपीयूज को उसको सेव करना उसको